ये दिन इतिहास के पन्नों में भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर लिखा जाएगा। इस दिन मोदी सरकार ने वीवीआईपी चौपर अगस्ता वेस्टलैंड केस में एक ऐसी सफलता पाई जिसको पूरी दुनिया ने देखा। सरकार ने लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार इस डील के एक बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के भारत प्रत्यर्पण में सफलता पाई। बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाया गया है और अब उससे पूछताछ के बाद इस डील में हुए घोटाले की परतें खोली जाएंगी। लेकिन क्या ये मिशन भारत के लिए इतना आसान रहा जितना दिखाई दे रहा है? अगस्ता वेस्टलैंड केस की जांच कर रही सीबीआई की सफलता की कहानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लिखी है। भारत की इस बड़ी कामयाबी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हाथ है। मिशेल के प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया को बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। उसे भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे बेहद गोपनीय रखा गया था। इस ऑपरेशन का नाम यूनिकॉर्न था, जिसकी बागडोर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हाथों में थी। इस ऑपरेशन को इंटरपोल और सीआईडी ने साथ मिलकर चलाया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए डोभाल सीबीआई के प्रभारी निर्देशक नागेश्वर राव के संपर्क में थे। एयरपोर्ट पर 2 घंटे की कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद 1:30 बजे उसे सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। क्रिश्चियन की सुरक्षा को लेकर सीबीआई के खास इंतजाम किए गए थे। सूत्रों की माने तो स्पेशल सेल की टीम भी एयरपोर्ट पहुंची थी। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी बैरिकेटिंग लगाकर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई खुद क्रिश्चियन मिशेल को लेने दुबई गए थे। भारत के लिहाज से देखा जाए तो यह एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे मिशन को जिस तरीके से अंजाम दिया उससे उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो देश के असली टाइगर हैं। देश का टाइगर जो देश के बाहर भारत के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ता है, चाहे वो सीरिया हो, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान में 10 साल रहकर जासूसी की बात हो, अजीत डोभाल ने हर समय पर अपनी दिलेरी का परिचय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।